ओम शांति। आज की तारीख है 9/4/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 9/3/94। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है कि न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। शिव बाबा की अवतरण की जयंती। तो अव्यक्त मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज त्रिदेव रचता, त्रिदेव तो जानते हैं हम सभी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालीग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालीग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है और आप सालीग्राम आत्माएं अनेक हो। आत्माओं का पिता एक ही है और हम आत्माएं अनेक हैं। पूजा दोनों की होती है क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालीग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालीग्राम के रूप में भी होती है और देवात्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी बनाते हैं और बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। और बाबा का तो मस्तक भी नहीं, बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु है। अच्छा, तो चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म की अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को सदा खुश रहने वाले, औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान अव्यक्त बाप दादा का अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः ही आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो, हरेक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे लाइट के तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान। कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। ओम शांति।